ਇਹ ਜੀਵੇ ਕਾਕਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਖਾ ਖਾਜਾ ਸਿਰਾ ਅਲਮਾਸ ਬੋਬੀ ਲਾਲ ਕੁੜਤੀ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਮੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਸੇ ਉਫ ਅੱਲਾ ਪਾਉ ਪਕੜ ਕਰ ਮੁਝ ਸੇ ਪੂਛੇ ਸੜਕੇ ਟੂਟੀ ਪੂਟੀ ਕੌਮੀ ਠੇਕੇ ਕੀ ਇਹ ਦੌਲਤ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ ਲੂਟੀ ਇਸ ਪਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਮੁਜਰਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣੇ ਬੋਬੀ ਜਾਨ ਬਲਾ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਹੋਮ ਵੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕੇ ਹਾਮਿਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਕੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਨਹਾਈ ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਮੇਂ ਗੁਜ਼ਰਤੀ ਹੈ ਆਪ ਇਤਨੇ ਅਮੀਰਾਨਾ ਠਾਠ ਪਾਠ ਸੇ कैसे रह रही हैं मेरे अंदर कह लें कि बचपन ही से ना जैसे कोई पुरानी रूह नहीं होती कि जैसे कोई मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ कुछ मेरे फादर की जो प्रॉपर्टी थी मेरे फादर का जो क्योंकि इंग्लैंड हम लोग रहते थे और मेरे फादर इंग्लैंड से जब आए उनकी डेथ हो गई तो उस प्रॉपर्टी में से भी मुझे शेयर मिला गुजरात के अलमास शाह से अलमास बोबी कैसे बनी और कब ये ख्याल आया कि आपके ऐसा साथ लड़कियों जैसे हैं मुझ में तो बचपन ही से जब मैं इंग्लैंड थी तब भी मेरे दिल में और मेरी रूह में ये था कि मैं लड़का नहीं हूँ मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ मैं लड़की हूँ तो बॉबी जो है मेरी एक थी गुरु कह लें उन्होंने मेरा नाम बॉबी रखा था आप कुछ भी कहें आपकी जिस्मानी साख तो लड़कों जैसी ही थी नहीं नहीं इसको ख्वाजा सरा कहते हैं घर बार को छोड़कर कब ख्वाजा सराओं के ग्रुप में शामिल हुई मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं 10 साल की थी वो इंग्लैंड से आए थे उसके बाद जब मैंने मैट्रिक किया तो मेरी मदर की डेथ हो गई एक मेरी सिस्टर थी उनकी शादी हो गई वो बाहर चली गई फ्रांस चली गई फिर मैंने गुजरात को छोड़ा रावलपिंडी आ गई इधर आके ग्रुप को मैंने ज्वाइन कर लिया उसको मेरी 17 साल उम्र थी लेकिन उस वक्त तो आप लड़का ही थे लड़कों के साथ घूमती फिरती थी लड़कों के साथ पढ़ती थी मैं लेकिन मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलना था मेरा घर में रहना लड़कों वाली गेम जो होती हैं क्रिकेट और वो फुटबॉल और जो जो लड़के बाहर गेमें खेलते मैं वो नहीं खेलती थी मैं घर में कुकिंग वगैरह और किताबें पढ़नी कुकिंग करनी और डांस और गाने और मेकअप ये मेरे शौक़ थे खूनी रिश्ते भुलाए नहीं भूलते ख़ानदान में से सबसे ज़्यादा याद कौन आता है मुझे मेरी माँ बहुत याद आती मेरी अम्मी मुझे बहन भाई मिलते हैं या मुंह मोड़ लिया खुश रहें जहाँ भी रहें कोई भी नहीं मिलता एक भी घर वाला बहन मिलती है जी बहन मिलती है कभी कभार क्योंकि भाई नहीं मिलते हाँ भाई एक हैं अल्लाह उनकी ज़िंदगी रखे अल्लाह उनको खुश रखे वो नहीं मिलते क्यों शायद वो समझते हों कि कोई बेइज्जती है मिलने में इंसल्ट फील करते हों आखिरी दफ़ा कब मुलाकात हुई बहुत साल हो गए बस खुश रहें वो जहाँ रहें पाकिस्तान में अक्सर लोग ये समझते हैं कि लड़के ऑपरेशन करवा के जिससे नरबान कहते हैं लड़के से ख्वाजा सिरा बन जाते हैं कोई भी लड़का कभी भी लेडीज़ ड्रेस नहीं पहनेगा इस तरह स्टेज ड्रामे में भी पहनते हैं तो वो एक ड्रामा करने के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी के लिए कोई इस तरह नहीं पहन सकता और 24 आवर इस तरह के एक्ट नहीं कर सकता जस्ट लाइक फीमेल्स और इतनी ज़िल्लत इतनी बेइज्जती इतनी लोगों का वो उनका एटीट्यूड इस तरह का बिहेवियर लोगों का कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता तो हमारी तो रूह में ये चीज़ है हाँ ऑपरेशन ये आप कह सकते हैं अभी तक ऑपरेशन लोग करवा रहे हैं पता नहीं किस किस चीज़ के लोग करवा रहे हैं लड़कियां करवा रही हैं लड़के बन रही हैं लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने भी नरबान ऑपरेशन करवाया था नहीं मैं मुझे क्या ज़रूरत थी करवाने की मेरा अल्लाह की तरफ से हुआ था आपको ज़िंदगी में दोबारा चॉइस मिले तो क्या बनेंगी लड़का लड़की या ख्वाजा सिरा मैं लड़की बनने का कंप्लीट तो क्या आप अपने आप को मुकम्मल लड़की नहीं समझती नहीं मैं कंप्लीट नहीं हूँ मैं ख्वाजा सिरा हूँ बरे सगीर में तीसरी सिन्फ का रिवाज है कि वो ताली बजाकर बात करते हैं आप उनसे मुख्तलिफ क्यों हैं
हाँ, ये तालियां उनका हथियार है हमारी कम्युनिटी का। मैं बहुत कुछ वो नहीं करती जो हमारी कम्युनिटी करती है। मसलन? मसलन बहुत कुछ करते हैं जो मैं नहीं करती, उसमें बहुत कुछ में बहुत कुछ आ ये देखें जनाब, कुकिंग हो रही है। मुझे साइमन मछली सर्दियों में स्पेशली मुझे पसंद है, और कोई फिश नहीं, ओनली साइमन। मेरी वालदा देसी खाने बड़े अच्छे बनाती थी, मैं उनके पास बैठी रहती थी किचन में, उनके पास, और उनको देख देख के मैंने सारी कुकिंग सीखी। उमा आई थी हमारे घर, ये देखे, और ये तो सबर खानम है हमारे गुजरात की, जिन्होंने गाया है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। रंगीला साहब, ये मुसर शहीन है जी, ये बब्बू बराल हैं, ये पहले मेरे साथ होते थे इधर रावलपिंडी। नीचे अजर रंगीला है, भाई मेरे बने हुए हैं नाल, और वो हैं साथ सना हैं। मुझे तो सुहेल साहब पसंद थी, रानी बेगम तोयफों के रोल बहुत अच्छे, एहसन बखूबी निभाती थी वो हर किस्म का रोल, और मेल में मुझे वही मुराद बहुत पसंद थे। और उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही, रीमा मीरा सब अच्छी हैं, सब अच्छी हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। उस वक्त सिर्फ फिल्मों में काम करती थी, कोई उनकी स्टेज एक्टिविटीज़ नहीं थी, कोई उनकी प्राइवेट फंक्शंस की वो नहीं थी, एक्टिविटीज़ नहीं थी, और कोई वो नहीं था, लल्ले तलल्ले उनके नहीं थे, जिस तरह इनके वो निकलते नहीं नहीं ये मेरा कुछ नहीं लगता, अभी ना कह रही है ये मेरा आसफ के साथ कोई तल्लक नहीं है, कभी कह रही दोस्ती है, कभी उसके साथ अगेतर नहीं है, कभी मीरा कह रही है मेरा तीक का नहीं है, उसके साथ नहीं है, अब फलाम, ये कुछ हंगामे नहीं थे। बिल्लियाँ क्या तन्हाई की वजह से पाल रखी हैं? तन्हाई तो नहीं, वैसे मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, कोई बच्चा ढूंढ रही हूँ, अगर कोई मिल जाए तो उसको अडॉप्ट कर लूँ। तन्हाई नहीं महसूस करती हैं? ना माँ बाप ना बहन भाई? महसूस तो होता है, लेकिन फिर क्या इंसान करे, अपने लोग भी आते जाते रहते हैं, चेले आ गए। कोई रहता नहीं आपके साथ? हाँ, रहता नहीं है मेरे साथ कोई, वो लहदा रहने में ज़्यादा इजी रहते हैं। आप पाबंदियाँ लगाती हैं? ना जेबा हरकतों पे पाबंदियाँ लगानी चाहिए ना। निस्वानी ऐसा साथ की हामिल हैं, क्या कभी कोई मर्द अच्छा लगा? क्या अच्छा लगना है इन्होंने, किसने अच्छा लगना है? कोई पसंद ही नहीं आया, ऐसा ही समझ लें। हालांकि बहुत लोगों ने कहा हमसे दोस्ती करो, हम आपके चाहने वाले हैं, लेकिन नहीं। पैसे भी खर्चे होंगे आप? नहीं, पैसे खर्चने का तो तब आए ना मरहला जब मेरी तरफ से ओके हो, या किसी को रिस्पांस दूंगी तो वो मुझ पे इन्वेस्टमेंट करेगा ना। आपने कभी रिस्पांस भी नहीं दिया? नहीं, मैंने रिस्पांस, जज्बात नहीं है आपके सीने में? कह लें कोई नज़र में नहीं जचा। आपको कैसा इंसान पसंद है? नहीं, पसंद क्या होने, बस नहीं, कुछ डिफरेंट काम है। नाच गाना किया और घर आ गए? नाच गाना किया और घर आ गए, और जो छोड़ने आए फंक्शन वाले उन्हें बाहर रोड पे कहा अच्छा बहुत शुक्रिया थैंक यू अल्लाह हाफिज, ये नहीं कहा आए अब चाय भी पिए। वालेकुम सलाम, कैसी है जी? ठीक ठाक, कैसी है बेटा? वालेकुम सुहेल साहब, ये मेरी चेला है, अच्छा, जिनको शागिर्द भी कहते हैं, सना खान। वालेकुम सलाम, कैसी बेटा? ठीक हो? ठीक ठाक। सुहेल साहब, ये साहिब भाई। चेला और उस्ताद का क्या रिश्ता होता है ख्वाजा सराओं में? ख्वाजा सराओं की असल लाइफ जब अपने घर वालों को छोड़ दिया है तो प्रैक्टिकल लाइफ इनकी शुरू होगी अब, तो इसमें गुरु का जो है करेक्टर वो बहुत जरूरी होता है। आमदनी का कितना हिस्सा गुरु लेता है और कितना चेले को मिलता है? ये अपनी इनकी खुशी होती है कि ये जिस तरह एक सना है, ये फंक्शन करने गई है, इसका 10,000 का फंक्शन हुआ है, तो अगर आके ये सुबह मुझे 500 रुपये भी दे देगी तो मैं इसको दुआ दूंगी कि बेटा अल्लाह तुझे और रोज़ी रिजक दे। तनकीद करने वाले कहते हैं तीसरी सिन्फ में वफा नहीं है, बेवफाई बहुत है। बेवफा हम ही को कहते हैं और हम ही से वफा खरीदेंगे। कहते हैं ये आप एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं, इन्होंने क्या वफा करनी है? देखिए, हम सियासतदानों से कम लड़ते हैं आपस में, वो तो हमसे भी बाजी ले गए। क्या शुरू ही से आप मुस्लिम लीग नून के साथ हैं या बाद में सियासी पार्टी बदली? जो मेरे पेरेंट्स थे और मेरे जो खानदान है वो सारा पीपल्स पार्टी का है। बचपन में भी हम चौधरी एजाज हसन के घर जाते होते थे,
लेकिन जब मैं रावलपिंडी इधर आ गई, मेरी तो एक अलग फील्ड हो गई। जब भी हमारे साथ कोई वाक्या हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, पहले भी पीपल्स पार्टी के दौर में मैं दो दफ़ा मेरी डकैती हुई, अब भी देखें मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है, कमर जमान कायरा की आवाज़ निकाल के जो कैसर अब्बास बोला है आदमी, और सारा मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है, आप यकीन माने कि किसी बंदे ने नहीं हमें पूछा, सवाए शुबाज शरीफ साहब के, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत कामिल दे। तो जो सियासतदान हमारा दुख दर्द में शरीक होगा हमारी कम्युनिटी में, तो आपका क्या ख्याल है, हम उसका साथ नहीं देंगे? दैट्स द रीज़न। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कब हुई? खुशी से ज़्यादा दुख और गम मिले। ख्वाजा सरा भी अदाकाराओं की तरह अपनी उम्र छुपाते हैं? अब तो ख्वाजा सरा नहीं, मर्द ज़्यादा छुपाते हैं। मेरी 45। 10 साल कम किया? नहीं। बुढ़ापे से खौफजदा तो होंगी। कहते हैं ख्वाजा सरा के लिए संगीन तरीन मसला उम्र रसीदा होना होता है, जब वो तन्हा हो जाते हैं। अभी और बूढ़ी होना है मैंने? अब भी मेरे मुलाजम मेरे साथ हैं, तो फिर भी मेरे को मुलाजम ही मेरे साथ होंगे, या कोई मेरा चेला कोई अच्छा होगा तो वो मेरे साथ होगा। कहते हैं कि ख्वाजा सराओं का जनाजा नहीं होता। जी जनाजा होता है। क्या तीसरी सिन्फ कब्रिस्तान नहीं जाती? हाँ जी, कब्रिस्तान हम लोग नहीं जाते, क्योंकि मोहल्ले के लोग हैं वो जाके तो उनको वो करके आते हैं, दफन करके आते हैं। हम लोग हॉस्पिटल में जाएं तो उधर भी लोग हंस रहे होते हैं, और जी तुसे भी बीमार हो गया तुसे भी, हाँ क्यों, हमने भी बीमार हो सकते हैं। कब्रिस्तान जाएंगे तो उधर भी लोग हंसेंगे हमें देख के, तो थोड़ा अवॉइड करते हैं हम भी। क्या ख्वाजा सरा अपने चेलों को ख़रीदने और बेचने का कारोबार करते हैं? ऐसा कोई काम नहीं होता कि अपने चेलों को बेचा और ख़रीदा जाता है, इस तरह बात नहीं होती। वो ये है कि जैसे एक मेरा चेला है वो किसी दूसरे का जाके चेला हो गया, तो उसने मेरे कोई पैसे देने हैं, उधार लिए हुए हैं मुझसे, तो वो पैसे वो होते हैं जिसको लोगों ने ये बनाया है कि ख़रीदो फरोख्त होती है, ऐसी कोई बात नहीं। सदर में शॉपिंग के लिए आई, ये रवाज आम हो गया है कि ख्वाजा सरा भीख भी मांगने लगे हैं। ये शुरू से है, मुगलिया दौर के बाद जब जवाल शुरू हुआ, बहादुर शाह जफर आखिरी उनके बाद शुरू हुआ, पहले तो महलात में रहते थे, वजीफे लगे हुए थे, वजायफ थे इनके, उसके बाद जब उन पे जवाल आया तो साथ इन पे भी जवाल आया। हुई अल्लाह कहने वाले, तीसरी सिन्फ के लोग तो ख्वातीन से भी नाजुक हुआ करते थे, जब से आप लीडर बनी हैं क्या इस रवैये में तब्दीली आई है? आप ये देखें कि हमारे लोग थाने के आगे से नहीं गुजरते थे, रिपोर्ट करवाने नहीं जाते थे, कोई रिपोर्ट करवाने जाता तो पुलिस वाले कहते थे जाओ जाओ भागो, तुम्हारे साथ तो ये होता रहता है। तो बहुत असर पड़े, लेकिन अभी इस्लामाबाद पुलिस को थोड़ा सा वो असर डालने की जरूरत है। घर वापस आए, खाना बहुत लजीज था। कुछ
خواجہ سرا تو عام طور پر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ Only matric with first division. فنکشن سے کتنی آمدنی ہو جاتی ہے؟ فی تقریب اوسطن کتنا مل جاتا ہے؟ کہیں پہ اچھا ہو جاتا ہے، کہیں پہ برا ہو جاتا ہے، کہیں پہ راستے میں ہم لٹ جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو ایسا یادگار فنکشن ہوگا جس میں سب سے زیادہ پیسے ملے ہوں۔ بس مل گئے، لاکھ دو لاکھ؟ ہاں لاکھ روپے مل گیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری نے خواجہ سراؤں کے لیے خصوصی مراعات کا حکم دیا تھا، کیا ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ نو امپلیمنٹیشن آن اینی آرڈر آف چیف جسٹس محمد افتخار چودھری، اونلی جو ہمارا وہ تھا آئی ڈی کا، اس کا وہ ہوا ہے۔ زنخہ زنانہ اور ہجڑا ہجڑی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہجڑی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کمپلیٹ وہ عورت نہیں ہوتی، اس کی کافی چیزیں وہ نہیں ہوتی لیکن وہ عورت ہوتی ہے، اور وہ شادی کے قابل نہیں ہوتی، اگر گھر والے کر بھی دیں تو اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ دوسرا آپ نے کہا ہجڑا یا خواجہ سرا، مہر چندہ پنجاب میں، انڈیا میں منت بھی کہتے ہیں، اور بھی کافی نام ہیں اس کے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد نہیں ہوتا اور نہ عورت ہوتی ہے، وہ دونوں کے درمیان جو ہے اس کو وہ خواجہ سرا یا ہجڑا کہا جاتا ہے۔ میک اپ کا شعبہ ہو یا فلمی اداکاراؤں کی ہمراہی، ہر جگہ تیسری صنف ہی کیوں نظر آتی ہے؟ بچپن سے ان کو شوق ہوتا ہے میک اپ کا، کرنے کا، دوسرے کو کرنے کا۔ تو آپ دیکھ لیں مختلف چینلز پہ جتنے ہیں میک اپ آرٹسٹ آپ کے، تو وہ ان میں کچھ نہ کچھ وہ ہے سلسلہ۔ جتنے یہ ڈریس ڈیزائنر ہے آپ دیکھ لیں، ان میں بھی وہ ہے سلسلہ، تو یہ ہر جگہ پہ ہیں۔ آپ کو ڈانس کا شوق بھی ہے، کون سی رقاصہ اپنے فن میں سب سے زیادہ ماہر ہے، نرگس یا میگا؟ آئی تھنک نرگس بیسٹ ڈانسر۔ آپ کے مخالف بھی ایک گروہ سرگرم عمل ہے جو کہتا ہے کہ آپ اپنے چیلوں سے بھتا وصول کرتی ہیں۔ میں کوئی جگہ بدماش نہیں ہوں، کوئی میں پھولن دیوی نہیں ہوں، اب تک تو ہم خود لٹ رہے ہیں، ہم نے کسی کو سے کیا بھتا لینا ہے۔ بہت بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سہیل صاحب، بہت شکریہ۔